सामने अब इस टाइम मौजूद हैं एयरफोर्स के कोच अरशद, जो जिसकी टीम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने प्रीमियर लीग चलाई उसमें सेकंड पोजीशन पे आई। अब हम अरशद भाई से कुछ सवाल करना चाहते हैं, अभी आपकी टीम का मेयार क्या है? इस टाइम हमारी टीम का मेयार अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पोजीशन पे, हमारी दो तीन टीमों में केआरएल एयरफोर्स और वापडा एसएसटीसी और वापडा, इन चार पांच टीमों में हम पहले दूसरे नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है इस टूर्नामेंट से भी, हम इस टाइटल डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, हम इसको इंशाल्लाह अपने डिफेंडिंग चैंपियन होने दोबारा इसको हम ट्राई करेंगे कि हम ही विन करें, तो हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला हम बरकरार रखेंगे अपने आप को। अभी तक कोई आपको शिकायत इस टूर्नामेंट से या इस ग्राउंड से या इस यहाँ की पब्लिक से? आपको सिक्योरिटी का भी इंतजाम बहुत जबरदस्त करके दिया है इधर, आप बताएंगे भी इसके बारे में? पहले तो ये कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं बिलोंग भी पेशावर से करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि काफ़ी मुद्दत के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने पेशावर में ये PFF कप दिया है और इंशाल्लाह ताला यहाँ जितनी भी टीमें आई हैं वो भरपूर इससे इंजॉय करेंगी। सिक्योरिटी का भी यहाँ कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी यहाँ सिक्योरिटी का मैनेजमेंट ने इंतज़ाम कर रखा है और जो ये टूर्नामेंट हो रहे हैं जो भी फेडरेशन कराएं फुटबॉल की प्रमोशन के लिए, हम बहुत खुश होते हैं कि कुछ बच्चों का फ्यूचर बनता रहे, फुटबॉल आगे जाए, इसको प्रमोशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर निकलें। और मेरी एज ए कोच, एज ए इंटरनेशनल प्लेयर और प्रीमियर लीग भी बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म हुई, इसी तरह ये PFF कप भी शुरू हुआ है और इंशाल्लाह ताला ये भी बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम पज़ीर होगा और इसमें मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा किरदार है और इंशाल्लाह ताला वो इसे भरपूर तरीके से एंड तक पहुँचाएगी। थैंक यू वेरी मच अरशद, जो एयरफोर्स के कोच हैं, बहुत नाम है इनका। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया।